मैं हूँ लाइव हाँ। सत श्री अकाल जी। लाइव कदे कदे होने का मौका मिलता तो सोची दा भी है कि लाइव हो के आपां की गल करिए। हर बंदा परेशान आ। हाँ जी गुड मॉर्निंग जी। मैं पहला भी लाइव होया तो पहला शो नहीं होया लाइव, सो फाइनली हो गया लाइव। सारे सत श्री अकाल है जी। सो दोस्तों सवेरे सवेरे जदों उठी दा ना जी तो परमात्मा का नाम लैण तो बाद जदों अपना फोन ऑन करीदा, सोशल मीडिया के उत्ते जदों झात मारी दी है तो फिर बड़े कई बार अपसैट हो जाए भी तरह तरह के वीडियो तरह तरह दल्ला आले दुआले साढ़े हो रही। और इस वेले जिहड़ा टाइम चल रहा पूरे वर्ल्ड दे विच बड़ा डिप्रेसिंग है साढ़े सारिया वास्ते, क्योंकि कोविड ने पूरी दुनिया की इकोनमी जी हिला के रखी हुई है। उस तो भी वध जिहड़ा महामारी साढ़े समाज के फैलती जा रही है वह है रिश्तों के आंदा निगार। रिश्तों की जी ताणी बाणी है जी उलझती जा रही है, वीक होंगी जा रही है। जोड़ा बॉन्ड हों हौली हौली खत्म हों जा रहा है। वह कारण है? वह कारण है साढ़िया जड़िया असी इच्छावान बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया। मैं लगता है टेक्नोलॉजी जी है जदों की आई जदों का खासकर सोशल मीडिया आया उदों का आपसी प्रेम भाव जोड़ा ऑलमोस्ट खत्म हो ही गया। आज थोड़ी जी लंबी गल करांगे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हाँ सोशल मीडिया से। मैं ये लगता भी हर बंदे का अपना अपना ओपीनियन होंदा किसी भी चीज़ को लैके, और हर बंदा अपने ओपीनियन को जाहिर करने की कोशिश करता सोशल मीडिया से, और उदी ही सोच के जोड़े लोग होंगे उन्होंने फॉलो करते शेयर करते अगे, वह चाहे चंगा हो चाहे माड़ा होवे। हुण उहदे नाल नुकसान फायदे की हो रहे हैं तुहानूं सारिआं नूं पता। चलो आपां गल स्टार्ट करते हैं कि थोड़े दिनों तो मैं देख रहा सोशल मीडिया से घरेलू लड़ाइयां छोटिया छोटिया गल्लां वड्डियां बना के वह खासकर साडा जिहड़ा सोशल मीडिया नैटवर्क आ वो तो छोटिया छोटिया चीज़ों बहुत वधा चढ़ा के दिखाया जाता तो कितना कितने उहदे नाल साडा जिहड़ा समाज है वह दिनों दिन बिखरता जा रहा टुटता जा रहा है। मैं मुद्दे ते आना कि मैं लैंबर वीर नूं जानदा घट्टो घट 17-18 साल तो असीं इकट्ठे काम करते हैं एक इंडस्ट्री च, और लैंबर भादा साडे तो भी पहलां दा कैरियर स्टार्ट होया होया। असी बहुत सारे मेलों च इकट्ठे हुए हैं, बहुत सारे विवाह च इकट्ठे हुए हैं, साढ़े दुख सुख सांझे आ, साढ़े घर को खुशी होंदी है असी उन्होंने इनवाइट करते हैं पहुँचते हैं, उन्होंने घर को खुशी होंदी है असी उत्थे पहुँचते हैं। लैंबर वीर नूं असी हमेशा हसदे देखिया और हर बंदे नाल रिस्पैक्ट नाल गल करदे देखिया। और जदों कोई भी कलाकार, क्योंकि जदों 30-35 साल का किसी का कैरियर हो जाता तो उहदा नाल नाल किरदार भी जिहड़ा उह भी मार्केट दे विच लोगों को पता होंदा भी बंदा किवें दा। जलंधर मैं अराउंड 18-19 साल तो रह रहा, असी कदी उहदे बारे कोई गल नहीं सुनी इदां दी, कदी उहदे बारे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं सुनिया। देखो बंदे दे अंदर हर इमोशन हुंदा है, गुस्सा भी आउंदा बंदे नूं, बंदे नूं रोण भी आउंदा, ते जे ये सारियां चीज़ां ना होण ते फिर ते बंदा या तां रब है या फिर पत्थर आ। ते कदे बंदे दे दिमाग दे विच कोई इदां दी गल चलदी होवे बई जिहड़ी ओह फैमिली नाल शेयर कर सके ते फैमिली उहदा गलत मतलब लवे, ये बड़ियां रोंग चीज़ां ने। साढ़े भैन जी रोजी भैन जी जिहड़े वाइफ है उन्होंने, मैं उन्होंने रिक्वेस्ट करांगा कि भी तुसी घर का मसला तुसी किसी अलाओ ना करो कि तुहाडे हसबेंड लई कोई बाहरला बंदा
क्योंकि रिश्तेदार एक टाइम तो बाद बाहर ले हुंदे ने। ठीक है, हर रिश्ते की एक मर्यादा आ, उस मर्यादा नूं पार ना करन दिओ क्योंकि थोड़ा अपना नुकसान हो रहा, थोड़े बच्चों के फ्यूचर का नुकसान हो रहा। इंटरफेरेंस बहुत गलत चीज़ है किसी भी फैमिली दे विच, किसी बाहरले बंदे दी, क्योंकि अपनी फैमिली दे विच मियां बीबी बच्चों का एक सैटअप लग्या हुंदा, एक दूसरे की नेचर नूं बंदे जानदे आ, पहचानदे आ, एक दूजे की गल सहना मेरे हिसाब नाल लाइफ का एक हिस्सा होना चाहिए। और अजकल सहनशीलता की ही कमी मेरे ख्याल दुनिया दे विच हुंदी जा रही है, जिहदे करके लड़ाइया झगड़े वध रहे ने। सो मैं लैंबर वीर नूं भी यही कहूँगा कि लैंबर भा, फैमिली आ, बच्चे आ, तुसी बैठ के सॉर्ट आउट करो, तुसी भी अवॉइड करो मीडिया नूं। और रोजी भैन जी, थानू भी बेनती है भी तुसी भी इग्नोर करो, क्योंकि गल्लां निकलदियां 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 अपने आप नूं सही सिद्ध करन दे चक्कर च तुसी दोनों ने एक दूसरे का नुकसान करना, और मोरओवर बच्चों ने सारी जिंदगी सफ़र करना है। जिन्हां दे मापे नहीं हुंदे उन्हां बच्चों नूं पुछ के देखो उन्हां दी लाइफ किवें दी है। जिन्हां दे फादर नहीं हुंदे या जिन्हां दीआं मावां नहीं हुंदियां उन्हां बच्चों नूं पुछ के देखो कि उन्हां दी लाइफ किवें गुजरदी है, किवें उन्हां दी परवरिश हुंदी है। तुहाडे कोल परमात्मा दा दित्ता सारा कुछ है, सुख सहूलतां, पैसा, और खासकर जिहड़े बच्चे ने उन्होंने भी इनवॉल्व ना करो, क्योंकि बच्चे हले इन्ने वड्डे नहीं हुए कि वो एडिया वड्डिया वड्डिया गल्लां अपने फादर लई कहण। सो बेटा, थानू हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है साडी बई, तुसी अपने फादर ते मदर दे मैटर तो हल्का जिहा दूर रहो, ते उही तुहाडे वास्ते सही है, क्योंकि कल नूं जदों इकट्ठे होण दा मौका मिल गया, परमात्मा करे तुहाडी फैमिली फिर पहलां दी तरह इकट्ठी होवे, ते तुसी एक दूसरे नाल नज़रां नहीं मिला सकते जो थोड़े अंदरों या थोड़े जबान तो कुछ इदा के शब्द निकले होंगे। सो इस करके हमेशा ही नाप तोल के बोलना चाहिए, प्यो तो बिना तो माँ तो बिना बच्चों का भविख जड़ा ना वो सिर्फ तो सिर्फ फिर परमात्मा ही डिसाइड करता। साडा समाज तो चाहे मासियां चाचिया ताइया अपनी जगह ने, पर जो माँ बाप कर जाता बच्चों लिए वो कोई होर नहीं कर सकता बेटा। सो तुसी, हाँ जी, सो फैमिली मैटर है, और मीडिया नूं मैं यही रिक्वेस्ट करांगा कि तुसी भी सारे परिवारों वाले हो, असी सारे परिवारों वाले हाँ, थोड़े घरां दे विच भी 100 गल्लां हुंदियां होणगियां, थोड़ी जी मैच्योरिटी दिखाओ। तुसी किसानी संघर्ष दे विच बहुत वड्डा रोल प्ले किया है पंजाबी मीडिया ने, खास करके उहदे लई असी तुहानूं अप्रीशिएट करदे हाँ, पर इहो जिहे मसलिआं दे उत्ते भी थोड़ी जी संजीदगी दिखाउणा जरूरी है थोड़े वास्ते, क्योंकि जरूरी नहीं हुंदा कि TRP या फिर थानू थोड़ी जी कमेंट्स मिल जाते हैं, शेयर मिल जाते हैं, थोड़ा चैनल थोड़ा वड्डा हो जाता, ये जरूरी नहीं। समाज प्रति भी साड़ियाँ कुछ जिम्मेवारियां ने, और वो जिम्मेवारियां निभाउणियां बहुत जरूरी ने। यह सारिआं दे करके ही समाज बनना, सारिआं एक एक मोती जिहड़ा वह माला दे विच परोया जाऊगा फिर वह माला बनूगी, दो चार मोती भी घट्ट होण ते माला चंगी नहीं लगती। सो इस करके मैं मीडिया ने भी यही हथ बन के रिक्वेस्ट करदा कि तुसी बहुत बहुत सही पिक्चर दिखाते हो समाज की, पर कई चीज़ें इदा दियाँ जिहड़ियां बहुत नुकसानदेह होंदियां, क्योंकि लैंबर ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके यह मुकाम हासिल किया। मेरे ख्याल 30 साल तो भी ज़्यादा लम्मा करियर उन्हों का, और उस 30 साल के मेरे हिसाब न 17 to 18 साल की सिर्फ स्ट्रगल ही आ। कहते ना 12 साल बाद रूड़ी की भी सुनी जाती है, पर मैं लगता कि लैंबर हुसैनपुरी की 18 साल के जाके सुनी गई होगी, तो पिछले 10-12 साल तो वह एक वधिया आर्टिस्ट, एक हिट आर्टिस्ट निकल के आया इंडस्ट्री के। सो दी स्ट्रगल की भी रिस्पैक्ट करो यार, एक दिन के बल्कि 2 घंटिया के एक आर्टिस्ट बंदा जिन्हें सैकड़े साल ला के, सॉरी सैकड़े नहीं मतलब कई साल ला के अपना कैरियर बनाया हुंदा, और उस कैरियर नूं 2 घंटिया के तहस नहस कर देने हो। थोड़ा जा ध्यान रखो इन चीज़ों का, फिर घरां दे विच गल्लां सारिआं दी हुंदियां, और बड़ा ईजी है किसी लिए कहना कि फलाने ना घूमदा है, फलानी ना घूमदा। अज की डेट के साडा समाज इदां दा बन चुकिया कि साडियां जिहड़ियां कुड़ियां ने, साडे परिवारां दीआं कुड़ियां, साडियां भैणां, साडियां धीआं, वो हर फील्ड के काम कर रही हैं,
हर फील्ड दे विच चंगा माड़ा इंसान उन्हां नूं मिलदा और हर बंदे दी अपनी एक डिग्निटी हुंदी है। ऐ नहीं हुंदा कि कोई किसे बॉस दे हेठां काम कर रहा तां वह अपनी इज्जत माण वेच के फिर काम कर रहा, इदां नहीं हुंदा। हर बंदे दी जिंदगी दे विच अपनी एक महाभारत आ, हर बंदा अपने हालातां नाल लड़ रहा। कोई किसे कोल काम करदा, कोई किसे नाल गाउंदा, कोई किसे नाल जॉब करदा किसे कोल, इहदा मतलब ये नहीं हैगा कि उन्हां दा रिलेशन ही गलत हुंदा। और फैमिलीज जिन्नियां वी ने उन्हां नूं वी इही रिक्वेस्ट करदे आ कि भई इहना ये हुण समाज इक्को जिहा, कुड़ियां मुंडे सब बराबर हो चुके आ, तो थोड़ी जी अपनी सोच नूं वी उपर लैके आईए आपां, और ये छोटियां छोटियां चीज़ां नाल फैमिलियां परिवार ना खराब करिए। क्योंकि जे कोई भी करैक्टर इदां दा होवे, मन लो आर्टिस्ट इदां दा होवे, तो फिर उन्होंने फैमिली बनाने की लोड़ की आ। फिर तो सलमान खान वांगू सारी उम्र छड़ा ही रवे, जदों दी जरूरत पूरी होनी तो फिर उन्होंने बच्चे पैदा करने की जरूरत आ, बच्चों लिए जिम्मेवार होने की जरूरत आ, चंगे स्कूलों पढ़ाने की जरूरत है, दिन रात मेहनत करने की लोड़ है। सिर्फ अपने लिए मेहनत करे। सो किसी भी कलाकार वास्ते या किसी भी किसी के लिए भी ये शब्द यूज़ करना कि फलाने ना घूमता फलाने ना घूमता बिना गल तो या बिना किसी प्रूफ तो बहुत रोंग चीज़ आ। सो इस करके ये कहनियाँ ईजी ने, इन्हों साबित करना एक तो औखा, एक बार टुटिया हुआ परिवार मुड़ के जोड़ना बहुत औखा होंदा, और थानू दोनों एफर्ट करने पैने हुण ये परिवार जोड़ने वास्ते, और ज़्यादा एफर्ट करने पैने बल्कि। सो मैं मेरी हमदर्दी है मेरे लैंबर वीर नाल कि ये जो कुछ भी होया नहीं होना चाहिए सीगा, क्योंकि पहला ही बंदा डिप्रैसड होवे क्योंकि माहौल इदां दा पिछले 1.5 साल तो चल रहा, सारी दुनिया अपने घर च वेली बैठी आ, हर इंडस्ट्री नूं नुकसान होया, म्यूजिक इंडस्ट्री नूं, फिल्म इंडस्ट्री नूं, होटल इंडस्ट्री नूं, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री नूं, जिन्हां लोकां ने पैलेसिस बनाए उन्हां नूं हर बंदे नूं नुकसान होया। सो उत्तों इहो जिहियां जिहड़ियां मुसीबतां सिर ते आ के वाधू पै जाण, उह वी रोंग आ। बाहर दे किसे बंदे नूं इन्ना हक ना दिओ कि वह थोड़े घर दे विच इंटरफेयर करे। थानू परमात्मा ने दिमाग दिता, थानू तुसीं एजुकेटड हो, तुसीं घूमे फिरे हो, तुसीं आप सोच सकते हो अपना चंगा माड़ा। और जिहड़े उन्हां दे लैंबर भा दे साली जी ने, वह भी साडी भैणां वर्गी आ, उन्हूं भी यही रिक्वेस्ट करांगे कि तुसीं जोड़ो तोड़ो ना, क्योंकि टुटे परिवार जिहड़े आ ना उन्हां दे हालात बहुते सही नहीं रहिंदे, स्ट्रगल ही आ लाइफ दे विच। सो थानू परमात्मा ने सारा कुछ दिता ते तुसी उन्हूं इंजॉय करो। बाकी लैंबर वीर असी हमेशा थोड़े नाल हाँ, असी थोड़े फैन भी हाँ, ते तुसी साडे लई सत्कारयोग भी हो, ते थानू प्यार भी बहुत करदे हां, तुसी साडे वड्डे भाइयां वर्गे हो। बस इस पूरी स्थिति नूं मैच्योरली हैंडल करो, परमात्मा सब ठीक करूगा, क्योंकि तुसी बहुत स्ट्रगल कीता, और परमात्मा नूं सब जानकारी है, जो भी हुंदा चंगे लई हुंदा। शायद ये चीज़ा मीडिया च ना आउंदियां, ना रौला ना पैंदा, ते थोड़े फैमिली का मैटर सॉर्ट आउट ही ना हुंदा। हुण चंगे ऑफिसर्स, मैं कल सुन रहा सीगा, चंगे ऑफिसर्स एंटर हो रहे ने पूरे केस दे विच, इनवॉल्वमेंट लै रहे ने अपनी। सो चंगा ही होगा जो भी होगा। बाकी परमात्मा थानू खुश रखे, चढ़दियां कलां च रखे। ब्रदर भैन जी, एक बार फिर रिक्वेस्ट है थानू कि सोचो, बच्चों की लाइफ ना खराब करो, इकट्ठे मिल के सॉर्ट आउट करो। पहली गल तो यह होना ही नहीं चाहिए सी, मीडिया च आना ही नहीं चाहिए सी थानू, पर चलो जे हुण तीर कमान तो निकल ही गया, और हुण इनू स्थिति नू हैंडल करो।